नहीं नहीं परमानेंट मार्कर नहीं, नहीं। वो क्या बोला नहीं नहीं खींच लो खींच लिए कर चलो अब कर लो डांस अब पूरा खाली एक बार जो बेटर है मैडम हम गवर्नमेंट दूर मेडिकल कॉलेज से हैं। आज हमने पंजाब केसरी और उत्कर्ष ने मिलकर बच्चों के लिए यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज कराया। हमने आज बच्चों को उनके जो डेली हैबिट्स होती हैं उनमें थोड़ा उनको चेंजेस बताए और जो बेसिक उनके एटिकेट्स जो उन्हें सीखना है और थोड़ा थोड़ा उनको वो बताया और जो उनकी हेल्थ है जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई एनीमिक बच्चा है या किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है आज हमने उसके बारे में बताया उनको बताया कि और वो बाकी आए हमारे अस्पताल में और हमसे उनको और अच्छे से हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें कोई भी उनको परेशानी या दिक्कत हो रही है तो आज हमने उनके साथ जाना उनकी दिक्कतों को समझा जो बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया। धन्यवाद। हाँ जी आज हमने हम लोगों ने उत्कर्ष जो टीम थी हमारी उसके पंजाब केसरी के साथ मिलके हम लोगों ने सेवा भारती की ओर से चलने वाले बाल संस्कार केंद्रों के अंदर हम लोग समय समय पे बच्चों के पास आते हैं उनको समझाते हैं कि कैसे आप अपने रेगुलर जो डेली हैबिट्स हैं उसमें कैसे आप उठें सोएं कैसे आप जो बीमारियाँ हैं जो कि बस्तियों में बहुत जनरली फैल जाती हैं उन बस्तियों के अंदर बीमारी ना फैले उसके लिए हम उनको समझाते हैं समय समय पर हम लोग अपने उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी करते रहते हैं जिसके अंदर जिस कार्यक्रम के तहत जैसे हमने पिछले साल अपना एक उत्कर्ष के अंदर एक फेस्ट किया था जिसके अंदर हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा यहाँ के लोक गायक गीत जो नायक हैं उनको बुलाना और साथ साथ जो हमारा मेन है वो मेडिकल कैंप है जिसको हमने इस बार जो पंजाब केसरी समूह की जो पूर्व निदेशक हैं श्रीमती स्वदेशी चोपड़ा जी
उनके पुण्य 9वीं पुण्यतिथि पे हमने ये कैंप लगाया। हम लोगों ने यहाँ पर पंजाब केसरी के साथ कोलाबोरेट कर हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक की उम्र तक के बच्चे हैं, जिसमें हम लोगों ने उनका हेल्थ चेकअप किया, बीपी लिया, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और आने वाली जो अभी मौसम के साथ जो आने वाली बीमारियाँ हैं उसके बारे में उनको बताया कि कैसे वो अपने आप को और अपने परिवार को उससे बचा सकते हैं। साइड बाय साइड हम कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं जिससे उनका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा कर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करवाने के लिए भी हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, और करियर काउंसलिंग जो थोड़े उम्र में बड़े बच्चे हैं उनकी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। तो आज हम पंजाब केसरी के साथ मिलकर बच्चों में यही सब कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।